हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बस मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका है और टिफ़िन बना के भी मैं बच्चे को देती हूँ। बच्चा स्कूल जा चुका है, हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं, तो बस मैं अब लग गई हूँ अपने काम में, घर की क्लीनिंग में। तो बेडशीट इसकी चेंज कर देती हूँ क्योंकि कई दिन हो गए हैं। इसका ज़्यादा गंदा नहीं होता है, पर फिर भी 5-6 रोज़ पे उसको बदल देती हूँ। अच्छा नहीं लगता है एक ही चादर काफ़ी दिनों तक बिछाया हुआ, तो इसको चेंज कर दूँगी और आज मशीन भी लगाऊँगी। वैसे धूप तो नहीं निकली है, कुहासा लगा के रखे हुए हैं, पर क्या कर सकते हैं, कपड़े तो धोने ही हैं। और फिर ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर इकट्ठा इतना सारा कपड़ा मैं मुझसे धोया भी नहीं जाता। अगर मैं एक लगातार कपड़े धो लूँ एक दिन में बहुत सारा, तो फिर तबीयत ख़राब हो जाती है क्योंकि सर्वाइकल भी है मुझे तो इतना। और सर्दी के कपड़े थोड़े भारी होते हैं, हैवी होते हैं, तो उठाने में तबीयत ख़राब हो जाती है। तो फिर थोड़े थोड़े करके मैं धोते ही रहती हूँ, पर धूप नहीं निकली है। धूप तो 4-5 रोज हो गए, अच्छे से नहीं निकलता, देर से निकलती है और हल्की फुल्की निकलती है, तो फिर कपड़े तो इतना सूखते नहीं है ढंग से। तो बस लगा देती हूँ मशीन, और बाहर अभी भी कुहासा लगाए हुए है। और कुहासा आजकल इतना कुहासा लगाता है और ओस जो गिरता है, लगता है जैसे हल्की फुल्की बारिश नहीं होती है उस तरह से ओस गिरता है, पूरा फर्श गीला रहता है। पर फिर भी मशीन लगा दूंगी ताकि धुलता रहेगा, अगर हल्की सी भी धूप होती है तो कपड़ा सूख जाएगा। तो बस यहाँ पे बेडशीट लगा ली हूँ और बाकी कमरों की साफ़ सफाई तो मैं कर चुकी हूँ, बस इसी का थोड़ा सा रह जाता है, इसका मैं देर से सफाई करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मोड़ के रख दूँगी और बस ये लोग अपना सुबह उठ के फटाफट निकल जाते हैं अपना काम करके, और कमरे को इतना फैला के जाते हैं, चाहे टेबल हो चाहे जूते चप्पल हो, हर एक चीज़ इधर उधर फेंक के चले जाते हैं। फिर जितना काम झाड़ू पोछा करने में टाइम नहीं लगता, जितना उससे ज़्यादा लग जाता है चीज़ों को जगह पे सेट करके रखने में। तो बस ये लोग अपना चले गए और अब अभी से मैं लग गई हूँ, तो बस ये सब क्लीन कर लेती हूँ। तो घर की लगभग क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये देखिए मैंने मशीन लगा दी है, पर लाइट चली गई है और काफ़ी देर हो गया लाइट गए हुए पर आई नहीं है। और बाहर का मौसम देखिए अभी भी अंधेरा करके रखे हुए हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है और हवा हल्की हल्की चल रही है जिसकी वजह से इतने सारे पत्ते गिर गए हैं। और वैसे भी बोलते हैं कि इस मौसम में पतझड़ होते ही हैं। तो बस अब जब लाइट आएगी तब कपड़े धुलेंगे, ये पता नहीं आती है कि नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे लाइट जाती है तो फिर 4-5 घंटे के बाद ही आती है। और यहाँ मैं फ्लिपकार्ट से शॉपिंग बोर्ड मंगाई हूँ, तो आप सबको भी दिखाती हूँ कि कैसा मंगाई हूँ और कैसा आया है, आप सब ज़रूर बताइएगा। तो बस और कुछ भी आता है तो ये आके बैठ जाता है देखने के लिए कि क्या आया है, तो खोल रही हूँ। और इनकी पैकिंग इतने अच्छे तरीके से किया गया था और जो ये कार्डबोर्ड ऊपर से जो लगाया हुआ था ये इतना हार्ड था कि कैंची से भी नहीं कट रहा था, फिर मुझे हाथ से ही इसे फाड़ के हटाना पड़ा था। तो मैं ये मंगाई थी चॉपिंग बोर्ड, मेरे पास नहीं था चॉपिंग बोर्ड और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, पर ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है तो मैं कहीं मंगा लेती हूँ। तो ये मैंने बुक किया था, मुझे याद नहीं है 10 कोई शायद 10 या 11 को मैंने बुक किया था, तो आज मेरे पास आया है। मैं आपको दिखा दूँ तो इसको खोलती हूँ,
इसमें कई सारे नाइफ भी हैं, तो मेरे जितने भी ये चाकू वगैरह थे वो सारे ख़राब हो गए थे, तो मैं कही क्यों ना सेट वाला ही मंगा लूँ, तो बोर्ड के साथ साथ चाकू भी आ जाएंगे। तो ये रहा, ये देखिए, अब एक ये नाइफ है और एक इससे छोटा, ये सबसे छोटा है ये, और ये बीच वाला है और ये सबसे बड़ा वाला है, और एक सीजर भी दिए हैं। कैसा आया है ये आप सब ज़रूर बताइएगा। तो मेरा काम तो हो चुका है सारा, और अभी दिन के बज रहे हैं 1:30, आएगा 3:15 में, तो उसका ट्यूशन अभी लेट हो रहा है, लेट जाता है आजकल ट्यूशन, 5 बजे जाता है। तो बस अब अभी से तो मैं फ्री हो चुकी हूँ, देखती हूँ धूप अगर निकली है तो थोड़ी देर धूप में बैठूँगी, क्योंकि आजकल धूप बहुत कम निकलती है, हल्की सी धूप निकलती है और उसमें हवा रहती है थोड़ी थोड़ी, तो फिर बाहर बैठने का मन नहीं होता है, ठंड लगता है। तो चलिए मैं अपनी वीडियो की यही एंडिंग करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।